सोनभद्र में दो पक्षों के संघर्ष में घायल मरीजों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ सोनभद्र दौरे पर मौजूद रहे। बुधवार को इस घटना में 10 लोगों की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शीला दीक्षित का आज निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। शीला दीक्षित का कल निधन हो गया था, वे लंबे समय से बीमार चल रही थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम दलों के नेताओं ने शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि अर्पित की। शीला दीक्षित के निधन पर सभी दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया। वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ व बाबा काल भैरव का दर्शन करने पहुंची प्रियंका गांधी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली के विकास के लिए शीला दीक्षित ने बहुत कुछ किया है जो भुलाया नहीं जा सकता। देश भर की नजरें चंद्रयान 2 मिशन पर टिकी हुई है। 22 जुलाई को दोपहर में 2:43 पर चंद्रयान 2 मिशन का प्रक्षेपण होना है। इससे पहले इस मिशन का पूर्वाभ्यास किया गया जो पूर्ण रूप से सफल रहा। इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुर सांसद आजम खां के बदले की भावना से कार्रवाई की जाने के आरोप पर कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पर गरीबों की जमीन हड़पने के मामले में पीड़ित किसानों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 20% आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर जहां एक तरफ हर वर्ग की महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं इसे महिला उत्थान को लेकर एक बड़ी पहल माना जा रहा है। लोक सेवा आयोग ने 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2018 PCSJ का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। इस भर्ती के जरिए 610 पदों पर चयन किया गया है। गोंडा की आकांक्षा तिवारी ने टॉप किया। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य में 2 साल के अंदर MBBS कोर्स की 1400 सीटें बढ़ाई जा रही हैं। ये सीटें 14 जिलों में बनने वाले मेडिकल कॉलेजों में होगी। रामपुर जल संरक्षण के तहत जिले में संचालित किए जा रहे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के क्रम में रेडिको खेतान द्वारा उत्सव पैलेस में जनपद के सभी प्रधानों के साथ जल संचयन के संबंध में वृहद कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुरादाबाद मंडल और आसपास के जिलों में लाखों शिवभक्त कांवड़िए अपने आराध्य भगवान शिव को सावन माह में प्रसन्न करने के लिए हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर से कांवड़ लेकर आते हैं। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्थायी रूप से मेला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। अलीगढ़ में इजरायली तकनीक से ड्रिप सिंचाई होगी। पेयजल और सिंचाई के संकट को देखते हुए सरकार की नजर परियोजनाओं की प्रगति और बेहतर इंतजामों पर है। इसी के तहत निर्णय लिया गया कि अब प्रदेश में सिंचाई इजरायल की तर्ज पर ड्रिप तकनीक से होगी। बरेली में श्रमिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए बरेली के श्रम विभाग ने हेल्प डेस्क शुरू की है। इस हेल्प डेस्क के जरिए श्रमिकों को पंजीकरण के समय विभाग द्वारा संचालित 14 योजनाओं और केंद्र सरकार द्वारा संचालित श्रम योगी मानधन योजना की जानकारी दी जा रही है। जालौन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के लिए जिला ग्राम विकास संस्थान बोधापुर उरई में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। ये प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है जिससे महिलाएं अपनी जीविका स्वयं चला सके। संस्कृति विभाग भारत सरकार के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा योजना में कजरी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के मिर्जापुर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने मिर्जापुरी कजरी गाकर श्रोताओं को भाव विभोर किया।